गया मेरा वक्त सभी। हेलो गाइस, मेरा नाम विनय और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विनय एडिटिंग में स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इस तरह का रील्स एडिटिंग जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा। तो अभी के समय में कुछ इस तरह का रील्स इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चला है गाइस। तो आप लोग भी कुछ इस तरह का रील्स क्रिएट करना चाहते हैं ओनली वन क्लिक में, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहना, एकदम इजी स्टेप में बताने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस, चलते हैं आज की इस नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए हम कैपकट एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे इंडिया में बैन हो गए इसलिए आपको ये प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। तो गाइस, इसको आप किसी ब्राउजर से डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। और गाइस, अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस एप्लीकेशन को अपलोड कर दिया हूँ, आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। तो गाइस, इसको यूज़ करने के लिए हमें एक VPN का भी जरूरत पड़ने वाला है, तो इसके लिए मैं सुपर VPN का यूज़ करने वाला हूँ। ये वाला VPN प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, अब इसको वहाँ से इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। तो मेरे वाले डिस्ट्रोल है, मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, सुपर VPN ओपन हो जाने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, हम यहाँ जो कनेक्ट वाला ऑप्शन दिखा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद गाइस हमारा VPN कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस, हमारा VPN कनेक्ट हो गया है। तो VPN कनेक्ट हो जाने के बाद गाइस, इसको मैं यहाँ से बैक कर लेना है। उसके बाद गाइस, आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेम्पलेट का लिंक शो हो जाएगा। तो गाइस, आपको उस लिंक पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप मेरे टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाओगे। तो गाइस, टेलीग्राम चैनल में आ जाने के बाद आपके सामने ये टेम्पलेट का लिंक शो हो जाएगा, इसमें हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस, इसको मैं किसी ब्राउजर में ओपन कर लेना है, जिसके लिए मैं क्रोम ब्राउजर का यूज़ करने वाला हूँ, तो इसको यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। तो गाइस, इस पर क्लिक करने पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, हमें यहाँ नीचे की ओर चले जाना है। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ यूज टेम्पलेट इन कैपकट वाला ऑप्शन दिखाया था, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस, इसको मैं यहाँ से यूज टेम्पलेट पे क्लिक कर लेना है। तो गाइस, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा गैलरी यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो गाइस, हमें यहाँ फोटो ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद गाइस, हम यहाँ से अपने फोटो को सेलेक्ट कर लेना है, जिस फोटो का हम रील्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग भी सेलेक्ट कर लेना। तो गाइस, इसके लिए हमें 19 फोटो का जरूरत पड़ने वाला है, मैं फोटो को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, फोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद हमें यहाँ नीचे की ओर जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन दिखाया था, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही गाइस हमारा लोडिंग कंप्लीट हो जाएगा, हमारा वीडियो में इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो गाइस, हमारा वीडियो बनके तैयार हो गया, आप यहाँ से देख सकते हो। तो गाइस, मैं इसको ऑडियो के साथ प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, वीडियो रेडी हो जाने के बाद हमें यहाँ ऊपर की ओर जो फोटो ऑप्शन दिखा है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस, आप अपने वीडियो के रेजुलेशन को ठीक से एडजस्ट करना चाहो तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो गाइस, इसको मैं 1080p पे रख लेता हूँ। उसके बाद गाइस, इसको मैं यहाँ से डन कर लेना है। उसके बाद गाइस, हमें एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पे क्लिक कर लेना है। तो गाइस, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और गाइस हमारे वीडियो में वाटरमार्क भी नहीं आएगा। तो गाइस, हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो गाइस, हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।